हरियाणा करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के करंट अफेयर्स के बारे में। क्या लाड़ लो हमारे, नमस्ते नमस्कार। मैं उपासा और आप देख रहे हैं कारा माजू। हम हरियाणा के पूरे साल के यानी 2018 के सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। यहाँ पर हमने बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, बाकी ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। सिंपल जो काम काम की चीज़ें हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। इसी साथ हमने हमारे चैनल पर एक क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया है, जिसमें सारी डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उन सबको वहां पर कवर किया जाएगा। क्रैश कोर्स के साथ साथ आप हमारे चैनल पर हरियाणा जीके का एक मॉक टेस्ट सीरीज भी देख पाएंगे, जिसमें 100 मॉक टेस्ट होंगे और हर एक मॉक टेस्ट में 30 सवाल होंगे। इस तरह से हरियाणा जीके के 3,000 सवालों को कवर किया जाएगा। अगर आप हमारे क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट सीरीज को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप हरियाणा जीके के सारे सवालों का जवाब आसानी से दे पाएंगे। मार्च करंट अफेयर्स। ई चालान लागू करने वाला प्रथम जिला यह है गुड़गांव, और अगर सीसीटीवी से चालान का नाम आए तो यमुनानगर। हरियाणा राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो इसका नाम है मेरी ई पुस्तक। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब किया जाएगा शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। हरियाणा प्रदेश में कुल तालाब 14,000। भारत इजराइल परियोजना के तहत देश का प्रथम मधुमक्खी विकास केंद्र कहाँ खोला जाएगा, ये खोला जाएगा कुरुक्षेत्र जिले में। प्रत्येक पुलिस थाने में कौन सा कक्ष स्थापित किए जाएंगे, ये है पुलिस मित्र कक्ष, ये काफी महत्वपूर्ण है। SIS सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अनीता कुंडू जी, और इसकी जो सहायता की जाएगी वो की जाएगी 16,500 अमेरिकन डॉलर से। महिला आयोग की चेयरमैन ये हैं प्रतिभा सुमन। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित ये हैं प्रीति चौधरी पानीपत से। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। किस राज्य की तर्ज पर हरियाणा ने जिला योजना की शुरुआत की है, यह है पंजाब राज्य। वर्ती शर्मा जिनको OTA भी चुना गया है, यह है रोहतक से। फाइटर विमान MiG-29 उड़ाने वाली पहली सिविलियन भारतीय महिला, तो यह है मेघा जैन पानीपत से। और अगर MiG-21 का नाम आए तो वहां पर नाम आएगा अवनी। पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की स्थापना ये की जाएगी अटेरना गांव सोनीपत में। ISSF वर्ल्ड में गोल्ड जीतने वाली युवा शूटर यह है मन्नू भाकर। अगर आपसे पूछा जाए ISSF का पूरा नाम क्या है, तो यह है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये जर्मनी में है। अगर बात करें मनु भाकर की, तो ये गोरिया गांव झज्जर से हैं और इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 2002 को। नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला यह है अनिता भारद्वाज झज्जर से। शहीद दिवस पर भारत के श्री दंगल कहाँ हुआ, भिवानी के भीम स्टेडियम में, पहला गुड़गांव में, दूसरा अम्बाला में। देश की पहली हाइड्रोजन चलित बस का प्रशिक्षण शुरू किया गया फरीदाबाद से, और इसका उद्घाटन किया गया वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर आर चिदम्बरम ने। हरियाणा कला सम्मान किसे मिला, ये मिला है राज किशन नैन को। हरियाणा की पहली महिला कोच जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो ये है अनीता सहगल जी अंबाला से। घुमंतु कल्याण बोर्ड का चेयरमैन डॉक्टर बलवान सिंह। सेल्फी विद डॉटर की शुरुआत किसने की, तो ये है सुनील जागलान जो कि बीबीपुर गांव के सरपंच थे। भारतीय ग्रामीण महिला संघ का चेयरमैन ललिता शर्मा। 19वां राष्ट्रीय शक्ति अवार्ड ये मिला है वीणा कुमारी जो कि हिसार से हैं। पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड जीतने वाले मूक बधिर खिलाड़ी वीरेंद्र उर्फ गुंगा ये हैं सासरौली झज्जर से। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर कितने रुपए खर्च किए, ये किए 19,17,27,000 रुपए। लिंगानुपात सुधार में प्रथम जिला यह है कुरुक्षेत्र, सेकंड पे यमुनानगर, थर्ड पे झज्जर। कल्पना शौर्य अवार्ड ये मिला है हिसार की अनिता कुंडू को और रेवाड़ी की सुमिता सिंह को। प्रदेश में कौन से विश्वविद्यालय में खेल विज्ञान व खेल चिकित्सा विभाग खोला जाएगा, ये खोला जाएगा PGI रोहतक में। हाल ही में हरियाणा राज्यसभा के लिए निर्विरोध किसे चुना गया, ये है DP वत्स जो कि नारनौंद के थुराना गांव से है, और इनको चुना गया है शादीलाल बत्रा की जगह पर। प्रदेश सरकार किस देश की तकनीक से कृषि उत्पादन बढ़ाएगी, तो ये करेगी इजराइल से, और इसका सेंटर चलेगा घरौंडा में। गेट एग्जाम जो कि इंजीनियरिंग का होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, में पहला स्थान हासिल किया ओसीमा कंबोज ने। अगली वीडियो में आप देख पाएंगे बाकी महीनों के करंट अफेयर्स को, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी हरियाणा के करंट अफेयर्स के बारे में सीख पाएं। धन्यवाद।